हेलो साथियों, नमस्कार। आप लोग स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक प्रकार से चल रही हो। साथियों, आज बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्ट्स, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हम क्या फैक्ट्स के बारे में आज देखते हैं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला है थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन गिविन बाज, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाज गिविन बाई, इस किसके द्वारा दिया गया था, तुम्हारे इसमें क्या है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया गया था, ठीक है। दूसरा है फोटो रेस्पायरेशन इस क्या है, एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस, ये हमारा फोटो रेस्पायरेशन होता है, इसमें क्या है एनर्जी स्पेंडिंग मीन्स इसमें क्या है ऊर्जा खत्म होती है, ठीक है। इसके बाद में मास फ्लो इज अफेक्टेड बाई, इसके द्वारा मास फ्लो अफेक्टेड होता है, तो ये हमारा होता है ट्रांसपायरेशन के द्वारा, हमारा बाष्प उत्सर्जन इसके कहते हैं, इसके द्वारा ये हमारा क्या है अफेक्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फैट शुगर अकर्स इन, ठीक है, तो ये हमारे किसके द्वारा होता है, तो ये ग्लाइकोसोम के द्वारा होता है, ठीक। इसके बाद है फोटो रेस्पायरेशन अकर्स इन, फोटो रेस्पायरेशन किस में होता है, तुम्हारा किस में, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक। फोटोसिंथेसिस इज एन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है साथियों, समझ में आया। तो फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन है रिडक्शन प्रोसेस है। चलिए इसके बाद देखते हैं, तो इसके बाद हम देखते हैं फोटोसिस्टम सेकेंड इज अब्सेंट इन, फोटो सेकेंड सिस्टम किस में अब्सेंट होता है, ये हमारे क्या है सी फोर प्लांट में ये अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ फैट इंटू कार्बोहाइड्रेट इज इन किस में होता है, ये ग्लाइकोजाइलेट साइकिल में होता है, किस में होता है, ग्लाइकोजाइलेट साइकिल में होता है। प्रिकर्सर ऑफ IAA इंडोल एसिटिक एसिड का प्रिकर्सर क्या होता है, तो इसमें ट्रिप्टोफैन ये क्या होता है, अमीनो एसिड होता है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है, ठीक है। इसके बाद में कोबाल्ट इज एन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, कोबाल्ट में कौन सा साल्ट पाया जाता है, तो हमारा क्या इसको क्या है विटामिन B12 होता है, इसको साइनो कोबाल्टमिन के नाम से इसलिए जानते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद में दूसरा हमारा क्या है लॉ ऑफ टॉलरेंस इंट्रोड्यूस, किसके द्वारा ये दिया गया था, लॉ ऑफ टॉलरेंस तुम्हारा क्या है सेल फोर्ट के द्वारा हमारा दिया गया था। इसके बाद में ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन पार्ट ऑफ सेल, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के कौन से पार्ट में होती है, तो हमारी किस में होती है साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक। क्रेब्स साइकिल्स एंड ETC अकर्स किस में होते हैं, साइकिल किस कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, ठीक है साथियों। इसके बाद में हम बात चलते हैं, इसके बाद में जो नेक्स्ट फैक्ट्स हैं, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, पाइरुवेट होता है, इसमें पाइरुवेट के टू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। लाइट और हिल रिएक्शन टेक प्लेस इन, लाइट और हिल रिएक्शन कहाँ होती है, इसको ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, तो लाइट मीन्स क्या होता है LG, यहाँ से हमें याद रखिए LG, यानी L मीन्स क्या होता है लाइट, G मीन्स क्या होता है ग्रेना, तो LG में से तो लाइट रिएक्शन हमेशा किस में होती है, ग्रेना में होती है, ठीक है। और आपको पता ही होगा फिर इसके अपोजिट कर लेना डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन और कैल्विन साइकिल रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे क्या स्ट्रोमा में होती है, कौन डार्क रिएक्शन या कैल्विन रिएक्शन, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो हमारे रूबिस्को होती है, रूबिस्को किस में पाई थी, क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन्स होती है, ठीक है। इसके बाद वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज प्रोड्यूस, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो 686 किलो कैलोरी हमारी क्या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हाइएस्ट वाटर यूज एफिशेंसी ऑर्डर, जो सबसे ज़्यादा वाटर किस में यूज होता है उसका ऑर्डर बताइए, तो कैम साइकिल में सबसे ज़्यादा वाटर यूटिलाइज करते हैं, उससे कम हमारा C4 वाटर यूटिलाइज करते हैं, और C3 हमारे क्या है सबसे कम वाटर का यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सो क्रेंज टाइप लीफ एनाटोमी फाउंड इन, क्रेंज टाइप लीफ एनाटोमी फाउंड इन किस में पाई जाती है, हमारे क्या C4 प्लांट में पाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद में चलिए, इसके बाद में C4 कैल्विन साइकिल एंड हैज सेलेक अकर्स, ये किस में होती है, ये हमारी क्या है क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रेट हाईएस्ट इन, फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज़्यादा किस में कौन से प्लांट्स में होता है, तो ये हमारे क्या होता है C4 प्लांट्स में होता है, ठीक। ग्लूकोज इज आ टाइप ऑफ शुगर, ग्लूकोज किस प्रकार की शुगर है, तो ये हमारे क्या है ग्लूकोज हमारे क्या है मोनोसैकेराइड शुगर है, ठीक है। इसके बाद में शुगर विच इज स्वीटेस्ट अमंग ऑल शुगर, ऐसी कौन सी शुगर है जो सबसे ज़्यादा मीठी है, तो हमारे क्या फ्रक्टोज होते हैं, ये क्या फ्रूट्स में पाई जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल आप डाइसैकेराइड्स आर, तो एग्जाम्पल जो हमारे डाइसैकेराइड शुगर्स के कौन कौन से हैं, तो हमारे माल्टोस लैक्टोस एंड सुक्रोज, ये हमारे क्या है एग्जाम्पल्स हैं डाइसैकेराइड शुगर के, ठीक है साथी। इसके बाद में है नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमारी क्या है सुक्रोज है, ये शुगर हमारी क्या है डिक्रीज नहीं होती, स्टेबल फॉर्म में रहती है इसकी, इसलिए इसे कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज है, ठीक। इसके बाद में चलते हैं,
इसके बाद में शुगर फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेटिव जो सीड होते हैं, जो अंकुर बीज होते हैं, उनमें कौन सी शुगर पाई जाती है, उसमें हमेशा क्या है, माल्टोस पाया जाता है, ठीक। लैक्टोज शुगर, इसको मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। इस कॉम्बिनेशन किस किस से बनी होती है, ये हमारे ग्लूकोज से बनी होती है और गैलेक्टोज से बनी होती है, यानी जीजी से बनी होती है। तो जो हमारी क्या है, लैक्टोज मिल्क शुगर है, ठीक है। तो ये लैक्टोज हमारी क्या है, ये डाइसैकेराइड है हमारी, ठीक। इसके बाद में बॉन्ड दैट ज्वाइंट अमीनो एसिड, ऐसे कौन से जो अमीनो एसिड्स में कौन कौन से बॉन्ड ज्वाइंट करते हैं, तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पाए जाते हैं, किसमें, अमीनो एसिड में, ठीक है साथियों। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनको हमने बताने का आपको प्रयास किया था, और अगर आपको थोड़ी सी जानकारी अच्छी लगी तो मुझे थम्ब अप करके इशारा अवश्य बताइए। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।